है कि हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो हमारे अपने मुल्क के बाशिंदे बाहर रह रहे हैं, उनको भी नहीं पता है पाकिस्तान के हालात. हाँ. बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हॉलैंड में आधी अपनी जिंदगी गुजारी है. अभी मेरी एक दोस्त है जो नॉर्वे से आई है, उससे पता ही नहीं है. वो आके ऐसे शॉक में है. लाओ ना कभी भाई, अभी जहाज के लिए तस्वीर दिखा दे. जहाज गाना है, कोई नखरा नहीं. जो दिल में आए गाना है, दिखाए जो दिल में आए. अच्छा भाई, मुझे मुश्किल नहीं देगा. चलो भाई, मोनालिसा, सारा लोरेन. नहीं नहीं, सारा लोरेन. मोनालिसा बोला तो मोना डाल. कौन सा बहुत काम किया जा रहा है मोना के साथ. हाँ, मैंने कुछ दो चार टेलीफिल्में और दो चार सीरियल किए. गाना नहीं आ रहा. गाना यार, गाना क्या थी, बड़ी चुलबुली. दो चार नहीं नहीं, उसका वो थी बहुत, वो नहीं चुलबुली टाइप खातून थी. है माशाल्लाह, अभी भी पता नहीं उसी तरह की है. जल्जले की जद में है पड़ोसी मुल्क में. हाँ भाई, वो क्या गाएगा. अरे यार, इसी में रात हो जाएगी यार. अच्छा जी, गाना बता दो. अच्छा, हमारा प्रोग्राम का टाइम आ गया. फैसल को आ गया. गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका. अब ज्यादा गोरा है कह रहा हूँ, अब ज्यादा गोरा है. बुरा नहीं है, मतलब क्या गाया यार, कितना बुरा गाया मैंने. उसने जो तो पत्थर मारो, उसको टमाटर मारो, अंडे मारो यार. मैंने उसमें गाने ये सब मारोगी, ये पकड़ के ना बनाना शुरू कर देगा. कहेगा नहीं, चार अंडे रह गए वो भी मारो. इस मैं 12 अंडे खाई हैं खाने है? मुझे क्या क्या इस गाने में एडिशन किया मैंने, वो आपने नोट नहीं किया. क्या किया आपने? ज्यादा गोरा, ज्यादा गोरे इंजेक्शन लगवाने के बाद. मैंने तो नहीं कहा. अच्छा, तो ज्यादा गोरा का मतलब यही हुआ ना. नहीं, बंदा सनब्लॉक लगा के भी हो जाता है. धूप में एक महीना धूप में नहीं जाए तो ठीक हो जाए. अच्छी जी, चला गया. नहीं करो दोनों. और जी, छोटी सी ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. अरे यार, ब्रेक के लिए बुलाया था मैं. क्या है नाराज कह रहे हैं ब्रेक के लिए? चाय पिलाएं जा साहब को, और थोड़ी देर बाद ब्रेक. तो जी देखते रहिएगा सतरंगी, सतरंगी रंग रही है जिंदगी. चाय लाओ भाई. अच्छा जी, वापस आ चुके हैं. और ये कुछ सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी टीम ने मुझे बताया नहीं कि भाई ये क्या है. सामान का करना क्या है? डंडे का क्या करना है? खास मारना करके है, कूपी करना ये भाग के जाना, वो कूद के उस तरफ निकल जाना. हाँ, डंडे की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है पहले हम काशिफ का गाना सुन लेते हैं. काशिफ बड़े देर से अपने फन के जौहर दिखाने के लिए बेचैन है. काशिफ भाई तो एंड में बहुत पुराने साथी आए हैं. मेरे शो पे एंड पे गाते थे, यहाँ शुरू में गाते हैं. नहीं यार, आज काशिफ भाई क्या काशिफ भाई ना इसमें वो एक एक्शन कर रहे थे रसीला पे. रसीला बार बार कर रहे थे. कैसे कैसे खड़े होके ना ये जब रसीला बार बार देख रहा था, हर दफा एक ही. नहीं नहीं, वो असल में सुर यहाँ से आ रहा था. वो आवाज मोटी करनी होती थी ना उन्होंने. आवाज रसील शुक्र है मेरे से तुम्हारा हाथ नहीं देखा. शुक्र नहीं है, सही मैं देख रहा था. दोनों हाथों से जो सुर ले रहा था. नहीं नहीं, वो तो भाई एक भाई नीचे से ला रहा था. शुक्र करो भाई. हाँ कोई बात नहीं काशी भाई, कोई बात नहीं. चले अब आगे. काशी एक्शन चेंज करें. हम बहुत अच्छे सिंगर हो, मैं हमेशा ये कहता हूँ. अल्लाह तुम्हें तरक्की दे और अंग्रेजी बोलना सीख लो, क्योंकि हमारे मुल्क में जब जिसको अंग्रेजी आती है वो हिट हो जाता है. कुछ लोग ऐसे जो अंग्रेजी अगर नहीं भी बोलते तो उर्दू भी इंग्लिश की तरह बोलते हैं. हाँ हाँ, वो भी मुश्किल से 3 महीने रहे होते हैं कई बार. अल्लाह जी जी एब्सोल्युटली, हमारे जानने वाले वो मतलब पूरी जिंदगी यहाँ रहे, उसके बाद बाहर गए, कोई 3 महीना गुजार के आए कनाडा में. आए वापस, हमने कहा यार तुम सही टाइम पे आए हो, फालसे का जूस आया है, चलो फालसा पी. व्हाट्स फालसा? ओह गॉड यार, ऐसे लोगों को बुलवा क्यों नहीं रही तुम्हें? दर्द होती ही ना तुम्हारे दोस्त ऐसे हर ब्रेक में एक बताती है. बुलाओ, ठीक करें. एक दफा बुलवा लो सब. एजाज बड़ा मूड में आया यार, सेब मिल जाएगा भाई, इतना बड़ा सेब लगा. हाँ, क्या भाई आप लोगों को कोई सवाल वगैरह कुछ है? है
जी अच्छा कॉल भी हमारे पास एक बात कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सामान रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मिसेस कमल नदीम कराची से। जी फरमाइए। सबसे पहली बात ये कि बहुत ही अच्छा कि आपने कि इतने अच्छे अच्छे गेस्ट को बुलाया, वरना बाहर जगहों पे तो सिर्फ दो तीन गेस्ट ही हैं जो घूमते रहते हैं। ये इन लोगों को देखने के लिए तरस गए हम लोग। मैं अपने शो पे कहता था मॉर्निंग शो की कास्ट बन गई है। नहीं वो 1-5 के हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद के लोग बुलाएं। बिल्कुल बहुत अच्छा शो जा रहे हैं आपके माशाल्लाह से। मैं रेगुलर आपके शो वॉच करती हूँ। मुझे फैसल से एक सवाल करना था। जी पूछे। आप कोई एंटी एजिंग यूज कर रहे हैं? माशाल्लाह दिन ब दिन आप यंग हो रहे हैं। मरियम में तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं कि बस। ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंटी एजिंग बिल्कुल मैं एक यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह उठ के दही खाएं, उसमें स्ट्रॉबेरीज डाल के उसको ग्राइंड करें और रोजाना खाएं। एक साल के बाद बताइएगा मुझे। मैं भी खाती हूँ लेकिन मैं ग्राइंड करके नहीं खाती, डायरेक्ट खाती हूँ। ट्राई करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्मूदी बना के पिए और दही भी जो है वो फैटनिंग वाला नहीं खाना। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से जो है ये कमाल चीज है। फैसल की एक बात बड़ी, मैं कहती हूँ कि यूं करके पतला हो जाएगा अपनी मर्जी से, यूं करके मोटा हो जाएगा। कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता तो फिर ये बिरयानियाँ ठूसनी शुरू कर देता है ना, जब बिरयानियाँ ठूसता है जब उस वक्त मोटा हो जाता है एकदम। इसको ये ख्याल आता है फिर पतला भी एक यूं होता है। हमसे पतला नहीं हुआ जाता, मोटा सम नहीं। मोटिवेशन और डेडिकेशन बहुत चाहिए वजन कम करने के लिए। मोटिवेशन इट्स फॉर द मोटिवेटिंग, समझ तो मोटिवेटिंग इन द मोटिवेटिंग। वैसे तुम किसको कह रहे हो? नहीं पागल है, किस तरफ इशारा किया यार? एक तो ये तो मेरे दोस्त की बीवी हो, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त की बीवी दोस्त भी है, दोस्त की बीवी है, दोस्त भी है। हां अच्छा जी, ये कुछ टास्क हमारे पास पड़े हुए हैं लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो सवाल पूछना चाह रही हैं। जी आप सवाल पूछना है जी, पूछिए। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं सबके सब। दूर से अच्छा जवेरिया, यू आर वेरी लुकिंग गॉर्जियस, और आपके कह के की बारिश ही देखना है तो सुनने के लिए आए थे, और आपको लाइव देखने का बहुत शौक। इनकी आवाज तो खोल दो भाई जी, बोले बोले माशाल्लाह। आपके कह के हो कि बारिश देखने और सुनने के लिए आए थे, पहले टीवी से बाहर देखते थे, लाइव देख के बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। और माशाल्लाह आप लोग जितनी मेहनत और लगन से सब प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों को तरक्की दे। और आप लोगों का भी बड़ा हिम्मत और हौसला है, सुबह सुबह अपने सारे काम काज घर बार बच्चे मियाँ को छोड़ के आते हैं हमारे साथ बैठते हैं और खुशियाँ यहाँ पे बिखेरते हैं। और मैं सुबह भी कह रही थी कि जब यहाँ पे आप लोग आते हैं 2 घंटे के लिए भूल जाया करें कि घर पे जाके क्या क्या काम करने, और 2 घंटे के लिए आज़ाद फील किया करें। हाँ, यहाँ लाइट भी नहीं जाएगी 2 घंटे। आपकी आवाज खोल दी आपकी आवाज खोल दी आपकी आवाज खोल दी। हेलो छोटी सी ब्रेक, और इजाज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही ब्रेक, तो देखते रहिए 17 की।